हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स कमिंग टू जर्मनी। सो बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट कर तो लेते हैं, लेकिन यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो उनको पता नहीं होती है। और यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जॉब सर्च के लिए, कैसे जॉब सर्च करना चाहिए, कैसा CV होना चाहिए, कैसे जॉब विनिंग कवर लेटर आप लिख सकते हो, और कौन से प्लेटफॉर्म्स को आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। तो ये एक मैं पूरी सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे। सो ये एजेंडा होगा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स कमिंग टू जर्मनी। क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए आपको इंडिया में या आपके नेटिव कंट्री में इतना पता होता है कि आपको बस इंटर्नशिप्स एक अपॉर्चुनिटी है और एक पार्ट टाइम जॉब्स, पर उसके अलावा कई सारे दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ भी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरे सीरीज़ में। ये एक एजेंडा होगा मेरे सीरीज़ का, जहाँ पे पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़, दूसरे वीडियो में मैं एक CV पे डिस्कस करूंगा और एक आपको एक टेम्पलेट दूंगा, उसके बाद हम जाएंगे कवर लेटर पे, आप कवर लेटर कैसा लिखना चाहिए, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए और मुझे इतना टाइम क्यों लगा जॉब सर्च के लिए, इंटर्नशिप सर्च के लिए, ये मैं सब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ताकि आप मैंने जो किए हुए मिस्टेक्स है वो आप अवॉइड करके आपके ड्रीम जॉब तक जल्दी पहुंच सकते हैं। और लास्टली हम बात करने वाले हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन अप्लाई फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा करियर के रिलेटेड और कौन सी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम अमेय वाडेकर है and I am a master student at RWTH Aachen, Germany. I am currently studying engineering management. और अगर मेरी जर्नी की बात की जाए तो I had applied for around 500 jobs, you won't believe, but yes, and it took me about 9 months. So इसके बाद मैंने जो छोटे मोटे shortcuts है और छोटे मोटे tricks है जो मैंने apply किए और मुझे जॉब्स के लिए इंटरव्यूज के लिए कॉल आने शुरू हो गए, तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो 13 इंटरव्यू कॉल्स आए थे और मुझे 2 ऑफर्स भी मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बात करूँगा अपॉर्चुनिटीज कौन से होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। आपको तो ज़्यादातर पता होगा इंटर्नशिप्स के बारे में, लेकिन इंटर्नशिप्स के अलावा स्टूडेंट वर्किंग स्टूडेंट बोल के भी एक अपॉर्चुनिटी होता है, ये कंपनीज में होता है, इंटर्नशिप्स भी कंपनीज में होते हैं। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हर एक टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इंटर्नशिप्स के लिए अलग, वर्किंग स्टूडेंट के लिए अलग, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जॉब्स जिसे यहाँ पे EV जॉब्स भी कहते हैं, सो EV जॉब्स भी एक ऑप्शन होता है। अगर आप इंटर्नशिप देखोगे तो उसमें 2 तरह के इंटर्नशिप्स होते हैं, एक होती है वॉलंटरी इंटर्नशिप और दूसरी होती है मैंडेटरी इंटर्नशिप। वॉलंटरी इंटर्नशिप यानी कि आपके कोर्स में वो इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं होती है, अगर आपको करना है, इफ़ यू आर विलिंग यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर इट, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। लेकिन जो मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, यू हैव क्रेडिट पॉइंट्स फॉर इट, और दूसरी बात मतलब आपको वो करनी ही करनी है। इसके मतलब अगर आपने नहीं किया तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको क्रेडिट पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप वॉलंटरी इंटर्नशिप की बात करें तो 2 तरह के इंटर्नशिप्स होते हैं, वॉलंटरी पेड इंटर्नशिप जिस इंटर्नशिप के लिए आपको पे किया जाता है एक स्टाइपेंड, फिक्स स्टाइपेंड, और एक रहता है वॉलंटरी अनपेड इंटर्नशिप जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। और मैंडेटरी में अगर आप देखोगे तो बस पेड इंटर्नशिप्स होते हैं, मैंडेटरी पेड होता है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्किंग स्टूडेंट
अगर बात की जाए तो वो हमेशा पेड़ होता है, और स्टूडेंट जॉब्स, सीवी जॉब्स जो होते हैं वो भी पेड़ होते हैं। अभी मैं आपके सामने एक शॉर्ट समरी एक टेबुलर फॉर्म में लाया हूँ, और जिसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा इंटर्नशिप, वर्किंग स्टूडेंट और अपना स्टूडेंट सीवी जॉब्स में। और ये जो टेबल है ये मेरे उन रिसर्च पे है, ये वैरी करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर और आपके कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। सो मैंने वेरियस पैरामीटर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेरियस क्राइटेरियाज के ऊपर मैंने वर्किंग स्टूडेंट, इंटर्नशिप और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जॉब्स को क्लासिफाई किया है। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, वर्किंग आवर्स पर वीक। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हो तो आपको 20 घंटा पर वीक काम करना होगा। अगर आप इंटर्नशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स की बात कर रहे हो तो आपको 40 आवर्स पर वीक काम करना होगा। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जॉब्स की अगर बात की जाए तो वो वर्किंग स्टूडेंट जैसा ही 20 आवर्स पर वीक आपको काम करना होगा। अब बात करते हैं सैलरी पर आवर यूरोज में, क्योंकि मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ। सो ये जो सैलरीज है ये एवरेज सैलरी अक्रॉस जर्मनी है। ये वैरी करता है आपके लोकेशन पे, आपके जॉब प्रोफाइल पे और आपके कंपनी पे, लेकिन जनरली स्पीकिंग वर्किंग स्टूडेंट के लिए सैलरी वैरी करता है 11 to 20 यूरोस पर आर, इंटर्नशिप्स के लिए 15 यूरोस पर आर और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जॉब्स के लिए 12 यूरोस पर आर। ये वैरी करता है, लेकिन एक अगर आपको एवरेज सैलरी बताई जाए तो ये एक एवरेज सैलरी है। अगर आप ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो आप कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसकी बात की जाए तो वर्किंग स्टूडेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टिपिकली 1 साल का होता है। इंटर्नशिप्स का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 3 to 6 months होता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन एंड कंपनी अगेन। और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जॉब्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी और आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिसके अंडर आप काम कर रहे हो वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन, कि भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, वर्किंग स्टूडेंट में ये चांसेस बहुत हाई होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने के। इंटर्नशिप में काफ़ी लो होते हैं जनरली स्पीकिंग, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल हो और कंपनी को रिक्वायरमेंट हो तो ये हो सकता है। और अगर आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जॉब्स की बात की जाए तो अगेन ये दिस डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर। चलिए आगे आगे मास्टर थीसिस, पॉसिबिलिटी ऑफ मास्टर थीसिस वर्किंग स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मास्टर थीसिस को ऑप्ट कर रहे हो तो आप पैरेलली भी काम कर सकते हो मास्टर थीसिस पे, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग आवर्स पर वीक आपको बस 20 आवर्स पर वीक काम करना होता है, तो आप पैरेलली मास्टर थीसिस के लिए ऑप्ट कर सकते हो। इंटर्नशिप्स के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मास्टर थीसिस इज हाई। आपका आपका जो डोमेन है जिसमें आप काम करते हो वहाँ पे टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं बड़े बड़े कंपनीज में, तो आपको हाई पॉसिबिलिटी है एक मास्टर थीसिस मिलने की। अगर आप स्टूडेंट जॉब्स की बात करें तो मास्टर थीसिस वहाँ पे वेरी लो होती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपका जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और यूनिवर्सिटी के ऊपर ये काफ़ी सारा डिपेंड होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट जॉब आफ्टर वर्किंग स्टूडेंट इट इज़ वेरी हाई। इसका रीज़न है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये टिपिकली 1 ईयर का, तो कंपनी आपके ऊपर, आपके लर्निंग के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट करती है, तो आपका पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट जॉब भी बढ़ जाता है। अगेन दिस डिपेंड्स सोलली ऑन योर परफॉर्मेंस, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इंटर्नशिप्स के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट जॉब लो होता है, क्योंकि इंटर्नशिप एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है 3 to 6 months, जिसके बाद कंपनी देखती है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले इंटर्नशिप करने की, तो
आफ्टर 3 मंथ्स अगर मैंने एक कंपनी में इंटर्नशिप किया तो उसके बाद कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा मेरी जगह पे, तो पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट जॉब लो होता है। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जॉब में ये अप्लाई नहीं करता है क्योंकि आप कंपनीज में अप्लाई करते हो और यूनिवर्सिटीज में नहीं। तो दोस्तों ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू था, वर्किंग स्टूडेंट क्या है, इंटर्नशिप क्या है और एक स्टूडेंट जॉब क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको एक ओवरव्यू समझ आया होगा और आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे बहुत सारे बाकी वीडियोस हैं, मैं ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाता हूँ, उनको भी ज़रूर चेकआउट कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।